बुधवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फेरबदल करते हुए राज्य के डीजीपी मुकुल गोयल को उनके पद से हटा दिया था, जिसकी वजह शासकीय कार्यों की अवहेलना करना बताया गया था। बदलाव की इस कड़ी में गुरुवार को योगी सरकार ने देवेंद्र सिंह चौहान या डीएस चौहान को सूबे के डीजीपी पद का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया। कौन है डीएस चौहान और उनको राज्य की पुलिस की बागडोर सौंपने के पीछे क्या वजह है, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। डीएस चौहान लंबे समय से डीजी इंटेलिजेंस जैसे महत्वपूर्ण पद पर तैनात रहे हैं, साथ ही वो एसटीएफ जैसी महत्वपूर्ण संस्था के आईजी भी रह चुके हैं। डीएस चौहान फील्ड और पुलिसिंग के माहिर अफसर माने जाते हैं। वहीं मौजूदा हालात में प्रदेश के हर आईपीएस अफसर की कुंडली डीएस चौहान के पास है। जनवरी 2020 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से यूपी लौटे डीएस चौहान सीआरपीएफ में आईजी के पद पर तैनात थे। 1988 बैच के डीजी रैंक अफसर डीएस चौहान छत्तीसगढ़ में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मूल रूप से वो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के रहने वाले हैं। इस समय डीजी विजिलेंस के पद पर तैनात हैं। उनकी छवि बेहद ईमानदार और साफ सुथरे अफसर के रूप में है। बता दें कि डीएस चौहान 1988 बैच के डीजी रैंक के अधिकारी हैं। वो बहुत ही मेहनती और कुशल अधिकारी माने जाते हैं। देवेंद्र सिंह चौहान यूपी के शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा शहर के गौतम बुद्ध नगर जिले के एसएसपी भी रह चुके हैं। उस वक्त वो बुलंदशहर से तबादले के बाद जिले की कमान संभालने पहुंचे थे। पदभार संभालने के कुछ दिन बाद ही नोएडा के सेक्टर 30 में मौजूद एनएमसी अस्पताल में चल रहे किडनी रैकेट कांड के खुलासे के बाद वो देश भर की सुर्खियों में छा गए थे, जहां अस्पताल में भोले भाले लोगों की किडनी ट्रांसप्लांट करने का खेल कई सालों से चल रहा था। चौहान ने अस्पताल पर छापेमारी कर अस्पताल मालिक नवीन चौधरी समेत करीब आधा दर्जन से भी ज्यादा लोगों को उस वक्त गिरफ्तार किया था। अब डीएस चौहान सूबे के पुलिस महकमे के मुखिया के तौर पर अतिरिक्त प्रभार संभालने जा रहे हैं। लिहाजा अब देखना यह होगा कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसी और नई जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।